हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन मॉन्ग यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी मेजरमेंट के। हमने मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स पढ़े थे। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट मेथड्स। अब मेजरमेंट मेथड्स क्या है, ये किस तरीके से हमने किस क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो उसके बारे में समझते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हम ये करते हैं कभी कभी बहुत लंबी डिस्टेंस को भी हम मेजरमेंट कर लेते हैं, और बहुत छोटी से छोटी डिस्टेंसेज को भी मेजर करना पड़ता है हमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो हमारे यूनिवर्स का साइज है, ठीक है, तो यूनिवर्स का साइज जो है हमारा, साइज ऑफ यूनिवर्स ये है 10^25 मीटर, ठीक है, लेंथ में, ठीक है। तो ये जो हम मेजरमेंट करते हैं, ये कैसे मेजर करते हैं, उसके बारे में हमने सीखना है। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ, ये तो बहुत बड़ी यूनिट के रिस्पेक्ट में हो गया। अब ऐसे मैं बोलूँ किसका, न्यूक्लियस का साइज, तो न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया भी था, क्या होता है, 10^-15 से 10^-14 इस रेंज का होता है, ठीक है। तो हम इतनी छोटी डिस्टेंसेज या इतनी बड़ी डिस्टेंसेज को हम कैसे मेजर कर रहे हैं, तो हम क्या टेक्निक्स हम यूज करनी चाहिए, तो उसके बारे में हमें समझना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि मेजरमेंट मेथड्स हमारी किस तरीके से हेल्प करती हैं। कुछ तो डायरेक्ट मेथड होती हैं और कुछ इनडायरेक्ट मेथड होती हैं, ठीक है। तो उन्हीं हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स को हमने यूज करने हैं। जैसे अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें, तो जैसे हमारे पास क्या होता है, मीटर स्केल होता है ना, उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी इंसान की हाइट का मेजरमेंट कर सकते हैं, किसी रूम की लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ी डिस्टेंस जैसे साइज ऑफ यूनिवर्स पता करना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ इनडायरेक्ट मेथड यूज करनी पड़ेंगी। ऐसे में बोलूँ साइज ऑफ गैलेक्सी, जैसे हमारी गैलेक्सी कौन सी है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे, ठीक है। तो हमारी गैलेक्सी का साइज क्या है, वो है 10^21 मीटर। तो ये कैसे मेजरमेंट करें, ये तो काफ़ी बड़ी है ना, इतना लंबा मीटर स्केल तो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही इतना छोटा भी नहीं हो सकता कि हम न्यूक्लियस का साइज या किसी, जैसे लेटर सपोज मैं बोलूँ हाइड्रोजन एटम का साइज, इसको मेजरमेंट करें, ठीक है। तो इसके पास, इसके लिए भी हमारे पास मीटर स्केल नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, इनके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो आज हमें उन्हीं मेथड्स के बारे में पढ़ना है। तो इसमें देखते हैं हम सबसे पहले किसको मेजरमेंट करते हैं, सबसे पहले लेंथ के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट मेथड्स में हम जो सबसे पहली चीज़ पढ़नी है हमने, वो पढ़नी है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। हम लेंथ का मेजरमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो लेंथ का मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं, तो उसके लिए हम मेथड्स देखते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ के भी हमारे पास दो तरीके होते हैं, ठीक है। कौन कौन से तरीके होते हैं, एक तो क्या होते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेज के लिए, और दूसरा शॉर्ट डिस्टेंसेज के लिए, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस जैसे मैंने क्या बोला, ये यूनिवर्स का साइज इस तरीके से। शॉर्ट डिस्टेंस क्या बोला, जैसे न्यूक्लियस का साइज इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लॉन्ग डिस्टेंसेज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट डिस्टेंसेज के लिए हम कौन से मेथड्स यूज करते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस में जो हम सबसे पहली मेथड यूज करते हैं, तो उसको देखते हैं हम। तो सबसे पहली मेथड हमारी इको मेथड, ठीक है। तो मैं इसको ए बोल दिया, तो इसी में मैं वन कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहली मेथड हमारी कौन सी, इको, या इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है। तो जो लॉन्ग डिस्टेंसेज हैं उनको हम कैसे मेजर करेंगे, तो उसमें जो हमारी सबसे पहली है इको या रिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है। अब इको या रिफ्लेक्शन मेथड क्या होती है, इसको समझते हैं। तो जो इको या रिफ्लेक्शन मेथड होती है, ये हमारी यूज होती है किसमें, जैसे आपने सुना होगा ना, जैसे सोनार सिस्टम सुना होगा या रडार सिस्टम सुना होगा, ठीक है। तो वहाँ क्या होती है, वहाँ ये इको मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। रडार में तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, हाँ, बट जो सोनार सिस्टम होता है उसमें तो सीधे सीधे इको मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, रडार में भी कुछ कुछ इसी तरीके का होता है, बस पहले ये समझना है कि है क्या ये रिफ्लेक्शन मेथड। बेसिकली इसको इको मेथड या रिफ्लेक्शन मेथड बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें प्रोसेस किस तरीके से करनी है, हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो इको को समझ लेते हैं, इको क्या होता है। जैसे आप कोई रूम रूम पे बैठे हैं, आप जोर से बोलेंगे तो क्या होती है, आवाज़ टकरा के वापस आती है ना, तो वही एक एको बोला जाता है, ठीक है उसे। तो इसी मेथड का यूज किया जाता है, मतलब हमारी जो साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो रही है, हमारे जो रूम के वॉल से टकरा के कहाँ पहुँच रही है, दोबारा से वापस आ रही है, तो वो क्या हो रहा है, एको हो रहा है ना। तो वही एको मेथड है, मतलब कि हम जो भी साउंड वेव्स या हम जो भी वेव्स भेजते हैं वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस उसी जगह पे आ जाती है,
तो इस मेथड का यूज करते हैं। इसका एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे क्या होता है, आप किसी हिल पे चढ़ जाएं या किसी पहाड़ के ऊपर जब आप चढ़ते हैं, तो वहाँ से आप जोर से चिल्लाएंगे तो क्या होगी, आपकी आवाज़ क्या होगी, किसी दूसरे सामने वाले दूसरे पहाड़ से टकरा के क्या होती है, वापस आती है ना, तो वही इको मेथड है। तो इस मेथड का यूज किया जाता है। अभी इस मेथड का यूज के लिए एक सिंपल सा हमें फॉर्मूला समझना है, हमें इसमें करते क्या है। तो जो भी हमें वेव भेजनी है या जो भी हमें वेव को ट्रैवल कराना है, तो सबसे पहले तो उसकी वेलोसिटी देखेंगे। तो इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज होता है, क्या हमें जो इजी सा फॉर्मूला हमने काफ़ी टाइम पढ़ा भी है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, या वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उसी का यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ एक कंडीशन ले लेता हूँ, इफ वी इज द वेलोसिटी ऑफ, जैसे मैं साउंड वेव्स या जो भी वेव्स हैं, तो अभी मैंने साउंड वेव्स के रिस्पेक्ट में ले लिया, ठीक है, वी इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, डी इज द डिस्टेंस, डी इज द डिस्टेंस एंड टी इक्वल्स टू टाइम, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसी में सोनार सिस्टम आपको समझा देता हूँ, ठीक है, उससे और समझने में ईजी हो जाएगा। जैसे कि होता क्या है, अगर हमें ओशियंस की डेप्थ नापनी है, ओशियन की डेप्थ नापनी है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं कि हम डेप्थ पे जाके मीटर स्केल लेके जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, इसी इको मेथड का यूज करते हैं। अब वहाँ किस तरीके से यूज करते हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं सोनार सिस्टम को लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर आपको उसको समझाता हूँ, ठीक है। तो जैसे क्या होता है, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, आपने GS में कहीं पढ़ा भी होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं तो बता देता हूँ, साउंड नेविगेशन एंड रेंज, ठीक है, ये होता है सोनार का फुल फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही दूसरा होता है हमारा रडार सिस्टम, ठीक है, रडार का भी ऐसा ही होता है, लेकिन वहाँ हम रेडियो वेव्स भेजते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो ये है रडार सिस्टम और ये है सोनार सिस्टम। तो होता है क्या है, यहाँ यहाँ जो मैंने वेलोसिटी टाइम और डिस्टेंस ले रखी है, इसके रिस्पेक्ट में करना क्या है, अब ध्यान से समझना, ये ओशन का सरफेस है, यहाँ पे कोई सिप चल रही है, ठीक है, ये कोई सिप है, ठीक है, बड़ी सी सिप है, ठीक, और इससे क्या करना है, हमें ओशन की डेप्थ पता करनी है, ठीक है। जैसे लेट अस सपोज मैं ओशन की डेप्थ यहाँ यहाँ कहीं जूम कर लेता हूँ, ठीक है, ये सी सरफेस है, ठीक है, ये डेप्थ हो गई, ठीक, ये क्या हो गया, बीच में वाटर हो गया, ठीक है। तो करते क्या है, यहाँ से इस सिप में से क्या करेंगे, हम एक साउंड वेव को कहाँ भेजेंगे, नीचे नीचे डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि हम एक साउंड वेव को क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, हम इसको भेजेंगे, ठीक है। तो जैसे ही साउंड वेव नीचे गई तो क्या होगी, ये सर अर्थ के जो सरफेस होगा, जो सी डेप्थ होगी, वहां से टकरा के क्या होगी, वापस आएगी ना, इस तरीके से क्या होगी, टकरा के वापस आ जाएगी, यानी कि क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, हमने जो साउंड वेव भेजी थी वो क्या हुई, यहाँ से गई और वापस कहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। तो इससे हमें क्या पता चल गया, वो कितनी डिस्टेंस चल के गई। अब यहाँ क्या करना होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में लिया तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब हो क्या रहा है, ध्यान से समझना, वेलोसिटी तो वी हो गई, टाइम टी हो गया, लेकिन डिस्टेंस उसने क्या ट्रेवल करी, एक बार ऊपर से नीचे गया, फिर नीचे से दोबारा ऊपर आया, तो यहाँ क्या करते हैं, टू टाइम्स ऑफ डिस्टेंस लिया जाता है, सिंपल सा ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो वी इक्वस टू 2d अपॉन टी, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो डी इक्वस टू क्या लिख सकते हैं, वी इंटू टी, ठीक है, वी से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और ये टू क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो किस तरीके से लिख सकते हैं, डी इक्वस टू, इस टी को मैंने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और टू को यहाँ वी के अपॉन में भेज दिया, तो क्या लिख सकते हैं, डी इक्वस टू वी इंटू टी अपॉन टू, ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। मतलब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम डिस्टेंसेज निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें करते क्या, हम कौन सी बीम्स भेजते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ तो साउंड के रिस्पेक्ट में लिया एग्जाम्पल, यहाँ लेजर बीम्स का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, लेजर बीम क्या होती है, लाइट रे, यानी कि यहाँ साउंड वेव्स की जगह क्या हो जाएंगी, लाइट वेव्स हो जाएंगी, मतलब कोई भी किसी भी तरीके की वेव ले सकते हैं, उनको क्या कराना है, हमें रिफ्लेक्ट कराना है, और वो कितने डिस्टेंस चली उसी रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे,
अपनी जो भी हमें डिस्टेंसेज हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसी तरीके से हमने क्या करेंगे, सारे के सारे जो ओशियंस हमारे आसपास, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, उन सबकी हमने क्या कर रखी है, उनकी डेप्थ कितने गहरे हैं वो सब पता कर रखे हैं ना, वो इसी मेथड के थ्रू हमने पता कर रखे हैं। ये कौन सा सिस्टम होता है, ये होता है सोनार सिस्टम। ऐसे रडार सिस्टम जैसे आपने देखा होगा अभी जो हमारे मिलिट्री में यूज होता है, ठीक है, रडार सिस्टम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब एनिमी का कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे कंट्री के जो भी बॉर्डर से अंदर एंटर करता है तो हमें रडार से क्या होता है तुरंत से पता चल जाते हैं वो। तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ हम रेडियो वेव्स को भेजते हैं, तो इसलिए रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग बोला जाता है इसे, ठीक है। तो ये हमारी सबसे पहली मेथड कौन सी, इको मेथड, ठीक है। तो फिर इसी तरीके से और भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, उनको अब देखते हैं वन बाई वन, ठीक है। तो ये हो गई इको मेथड। अब दूसरी मेथड है हमारी टू फाइंड द थिकनेस ऑफ मैटर सीट, ठीक। अब मैटर सीट की थिकनेस किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी सेम यही इको मेथड ही यूज की जाती है, ठीक है। अच्छा, इको मेथड का एक और मैं बता देता हूँ आपको। जैसे क्या होते हैं हम किसी फॉर एग्जांपल क्या बोल सकते हैं, जैसे एवरेस्ट है, एवरेस्ट की हमने क्या करी, हाइट कितनी है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें प्लेन के थ्रू हम क्या करेंगे, एवरेस्ट के आसपास से हम प्लेन गुजारेंगे और वहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे नीचे ही वेव्स को भेज के, रेज को भेज के हम काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो सारे के सारे ये जो बड़ी बड़ी हाइट्स होती हैं तो इन सबको इसी तरीके से मेजरमेंट किया जाता है, जैसे माउंटेन्स की हाइट हो गई, ऐसे वॉल्केनोज की हाइट हो गई, ऐसे ओशियंस की डेप्थ हो गई, ठीक है। तो ये मेथड काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज की जाती है। अच्छा, जो मैटर की थिकनेस है उसे फाइंड आउट करने के लिए भी हम इसी मेथड का यूज करते हैं। तो उसमें करते क्या हैं, उसमें प्रोसेस क्या होती है तो उसको समझ लेते हैं। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि कोई मैटर बना लिया मैंने, यानी कि कोई सीड बना ली मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इस तरीके से ठीक है कोई क्यूबॉइडल सीट है, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें इसकी थिकनेस यानी कि इसकी मोटाई के बारे में पता करना है। तो क्या करेंगे, इसका लेटर सपोज हमने यहाँ से ऑब्जर्व करना है, तो इस पॉइंट से क्या करेंगे, ठीक है, ये वाला जो सरफेस है ना, इस सरफेस से क्या करेंगे हम कोई किसी वेव को, ठीक है, किसी वेव को या सिग्नल को क्या करेंगे हम यहाँ से ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ टकरा के क्या होगा, ये वापस आएगा ना, बैक आएगा, ठीक है, यहाँ टकरा के बैक आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसकी थिकनेस के बारे में पता कर सकते हैं। और यहाँ भी क्या होता है, यहाँ सेम फार्मूला यूज होता है, कौन सा, यही डी इक्वस टू क्या है हमारे पास, जैसे है ना, डी इक्वस टू क्या है, वी इंटू टी वाई टू। अब इस वी की जगह हम क्या हो सकते हैं, लाइट वेव ले लेंगे तो सी हो जाएगी, ठीक है, 3 × 10⁻¹, ठीक है, इस तरीके से। तो मैटर की थिकनेस फाइंड आउट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसी मेथड के एक एप्लीकेशन का यूज करते हैं। तो समझ आ गया, तो किसी मैटर की थिकनेस या कोई बड़े बड़े से बोल्डर्स हैं तो उनकी थिकनेस को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, या कोई स्टील की बड़ी सी स्लैब है बहुत मोटी सी तो उसकी थिकनेस को फाइंड आउट करना है, तो हम इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, मैटर की थिकनेस को फाइंड आउट करने के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड हमारी ट्रायंगुलेशन मेथड, ठीक है। ट्रायंगुलेशन मेथड के बारे में आपने 10th क्लास में भी कुछ कुछ पढ़ा है, जो एलिवेशन मेथड होती है उस वो ही है ट्रायंगुलेशन मेथड। अच्छा, ये ट्रायंगुलेशन मेथड होती क्या है, जैसे, अच्छा, इसका यूज क्या करा जाता है वो भी बताता हूँ, और ये होती क्या है वो भी देख लेते हैं दोबारा से। वैसे आपने सब चीज़ें 10th में पढ़ी भी हैं। हम क्या करते थे, एक एलिवेशन एंगल निकालते थे ना, ठीक है। तो उसी तरीके का, जैसे जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होती हैं तो उनकी हाइट के बारे में पता करना है तो क्या करते हैं हम, एलिवेशन एंगल की हेल्प से पता करते। तो यहाँ क्या करते हैं, यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करते हैं। ये क्या हो गया, ये एक राइट एंगल बन गया और ये क्या हो गया, उसका एलिवेशन हो गया। तो क्या करते हैं, अगर मैं इसको क्या बोल दूँ, ए बी सी, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया। तो अगर हमें क्या करनी है, इस हाइट के बारे में पता करना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ से क्या करेंगे, एलिवेशन देखेंगे। ये क्या होता है, थीटा एंगल होता था, याद है कुछ, और क्या करते थे, ये क्या होता था, नीचे वाला बेस हो गया, ठीक है, एक्स डिस्टेंस, ये क्या होती है, ग्राउंड पे, इसको तो हम वैसे भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं ना। जैसे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, जैसे आपने सुना होगा बुर्ज खलीफा, जैसे जो क्या बोलते हैं दुबई में सबसे बड़ी बिल्डिंग है या वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जिसमें क्या है और सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है, तो उसकी क्या करेंगे इसी तरीके से, ठीक है, एलिवेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे बहुत और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे
कोई बड़ी सी बिल्डिंग हो गई या बड़ा सा पेड़ हो गया, ठीक है, तो उसकी हाइट को क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि फीता लेके चढ़ गए हम पेड़ की छत पे या बिल्डिंग की छत पे तो वहाँ से हमने चेक करा, नहीं, इस एलिवेशन मेथड का ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो एलिवेशन मेथड में होता क्या है, हमें क्या करना पड़ता है, जिस एंगल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या लेते हैं हम एलिवेशन निकालने के लिए, हमें क्या चाहिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और मुझे क्या चाहिए, हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू तो हमें पता होगी, ग्राउंड से तो नाप सकते हैं ना कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। तो क्या करें, हमें हाइट के बारे में पता करना है, तो क्या करेंगे, हाइट, ये क्या हो गया बेस, तो बेस और हाइट में थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में कौन सा होता है, 10 थीटा, 10 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइट, तो 10 थीटा इक्वल्स टू क्या जाएगा यहाँ, ई बी अपॉन, ठीक है, सॉरी ये उल्टा हो गया, हाँ, हाइपोटेनस अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होना चाहिए ना, ठीक है, मैंने उल्टा कर दिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा ए बी, और बेस क्या हो गया बी सी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि बी सी की वैल्यू हमें पता होगी, ग्राउंड में तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ए बी हाइट की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, तो ए बी की जगह क्या हो गया एच, और बी सी की जगह क्या हो गया एक्स, क्योंकि 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गई, एलिवेशन मेथड या ट्रायंगुलेशन मेथड, ठीक है, इसी को एलिवेशन मेथड भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से और भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं, उनके बारे में भी हम देखते हैं, ठीक है, आगे। फिर इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट आती है पैलेक्स मेथड, फिर उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है हमारी किसको, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का साइज मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, अब इसका मतलब क्या है वो भी समझते हैं, टू मेजरमेंट द साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल या स्पेशियल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, जैसे जैसे हमें क्या करना है, मून के बारे में पता करना है, मून का साइज पता करना है, तो वहाँ हम इस मेथड का यूज करेंगे, जैसे सन का साइज पता करना है, सन की रेडियस पता करनी है, तो वहाँ हम इस मेथड का यूज करेंगे। तो इस मेथड में करते क्या है, किस तरीके से हम चीज़ें लेते हैं उसको समझते हैं। तो अब जैसे हमें क्या करना है, सन की या मून की हमें डायमीटर पता करनी है, तो क्या करेंगे, तो मैं लेटर सपोज यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक मून बना दिया मैंने, ठीक है, ये मून हो गया, और मून क्या हो गया, और नीचे पे क्या कर ली मैंने, अर्थ बना ली, ठीक है, ये हो गई अपनी अर्थ, अर्थ का साइज मून से बड़ा है ना, ठीक है, तो अर्थ के किसी पोर्शन से हम मून को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया मून की रेडियस, ठीक है, ये क्या हो गया ए बी, हमने क्या करा अपने अकॉर्डिंग एक रेडियस एज्यूम कर ली, ठीक है, सॉरी ये डायमीटर एज्यूम कर ली, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से हम देखेंगे किसी एंगल के फॉर्म में, ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम किसी एंगल के फॉर्म में, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला होता है ना, क्या होता है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो अब हम उसी को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ करते क्या है, अर्थ से एक एंगल बना लेंगे, किससे, मून के दोनों कॉर्नर पे, यानी कि डायमीटर के, ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ एक एंगल फॉर्म हुआ थीटा एंगल, ठीक है, थीटा एंगल फॉर्म हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ए बी, ये क्या हो जाएगी, ये हमारी क्या हो गई, आर्क हो गई ना ये पूरी, ठीक है, ये आर्क हो गई, और क्या करेंगे हम, अगर इसकी रेडियस को क्या मान लें, एस रेडियस मान लें या कुछ भी, ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तो किस तरीके से करते हैं, अब यहाँ क्या करेंगे हम, ठीक है, ये तो क्या हो गई, ये डायमीटर हो गई, या एक आर्क ले लिया हमने, ठीक है, इस तरीके से इसको डी बोल दिया, ठीक, अच्छा, अब यहाँ से रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या एज्यूम करेंगे हम, जो ये है रेडियस की जगह हम क्या लेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ क्या, एस बोल देता हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ लगा लेंगे बस, एंगल हमें पता होगा किस एंगल से फॉर्म कर रखा है, एंगल थीटा इक्वल टू आर्क, या इसकी जो डायमीटर है वो क्या हो जाएगी डी, और रेडियस क्या हो जाएगी एस, तो इसकी डायमीटर डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इंटू थीटा, ठीक है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, यहाँ हमने इसकी डायमीटर के रिस्पेक्ट में क्या करा, अपनी आर्क को ऑब्जर्व करा, ठीक है, बेसिकली आर्क क्या होती है, आर्क तो ये वाली होती है ना, लेकिन हमने इसको कैसे, किस तरीके से देखा, इस फॉर्मेट में देखा, आर्क क्या होती है, बेसिकली एक कर्व होता है ना, हमने इसको क्या करा, डायमीटर के रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में कर लिया हमने, ठीक है, इसको लगभग क्या मान लिया हमने, डी के आसपास मान लिया, इसके डायमीटर के आसपास, और ये डिस्टेंस को क्या ले लिया हमने, ठीक है, रेडियस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि क्या होगा, जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा इसके रिस्पेक्ट में, एक और यहाँ हम इमेजिनरी क्या कर सकते हैं, इमेजिनरी स्फेयर मान सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन
रेडियस, एंगल थीटा इक्वस टू आर्क डी अपॉन रेडियस एस। ठीक है, तो डी इक्वस टू क्या हो गया, एस थीटा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मून की डायमीटर निकाल सकते हैं। ऐसे हम सन के रिस्पेक्ट में भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप बोलोगे कि ये तो कर्व के फॉर्म में होना चाहिए। अब मून का हमें क्या दिखता है, हमें मून के बेसिकली एक इस कॉर्नर को, एक इस कॉर्नर को देखना पड़ेगा। अब उसका ये पूरा शेप, कर्व वाला शेप हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसके डायमीटर के रिस्पेक्ट में आर्क लेनी है। क्योंकि यहाँ से अगर हम इसको आर्क लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये है एक स्फेयर, एक सर्कल, इसका अगर बहुत छोटा पार्ट लूंगा ये भी तो आर्क का ही काम करेगा ना। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, इस तरीके से कुछ एंगल हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, इस पर कंफ्यूज मत होना आप। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये रेडियस हो गई, एक बड़ा सा सर्कल हम एज्यूम कर लेंगे इसके रिस्पेक्ट में ही, अगर फ्लैट हो गया तो ऐसे बड़ा सा बनेगा ना। ठीक है, उस रिस्पेक्ट में ये हो गई रेडियस का काम करेगी, इस डी ने क्या करा, आर्क का काम करा, और एंगल थीटा में पता है अर्थ से जो भी हम बना रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये क्या हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के हम क्या कर सकते हैं, इसमें साइज के बारे में हम पता कर सकते हैं। अब ऐसे आगे नेक्स्ट मेथड और हैं, ठीक है, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे।